नमस्कार, झारखंडी न्यूज में आपका स्वागत है। आइए झारखंड राज्य के टॉप 25 प्रमुख खबर जानते हैं। प्रवासी मजदूरों को घर वापसी को लेकर केंद्र सरकार ने इजाजत दी। खबरों के अनुसार गृह मंत्रालय की ओर से दूसरे राज्यों में फंसे हुए प्रवासी मजदूर, तीर्थयात्री, छात्र छात्राओं, पर्यटकों को लॉकडाउन में कुछ शर्तों के साथ घर वापसी की इजाज़त दी गई। सभी राज्यों में फंसे हुए लोगों को भेजने, अपने यहाँ बुलाने के लिए नोडल पदाधिकारी नियुक्त करने होंगे और मानक प्रोटोकॉल तैयार करना होगा। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने एक आदेश में कहा कि फंसे हुए लोगों को ले जाने के लिए बसों का इस्तेमाल किया जाएगा और बसों को सैनिटाइज किया जाएगा तथा सीटों पर बैठते समय सामाजिक दूरी के नियमों का पालन करना होगा। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार आज राज्य के उत्तर पूर्वी व दक्षिण पूर्वी भाग के कुछ स्थानों में तेज हवा व गरज के साथ वज्रपात और हल्की बारिश होने की संभावना है। झारखंड में कल हुए वज्रपात में 6 लोगों की जान गई, जिसमें रांची और गुमला से 2-2 तथा रामगढ़ और गढ़वा से 1-1 व्यक्ति थे। मौसम विभाग ने पूर्व में ही कई जिलों में तेज हवा के साथ वज्रपात और बारिश का पूर्वानुमान किया था। पारा शिक्षकों का मानदेय वेतन बढ़ाए जाने की मांग। खबरों के अनुसार झारखंड शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने केंद्रीय मानव संसाधन विकास मंत्री रमेश पोखरियाल से पारा शिक्षकों का मानदेय वेतन बढ़ाए जाने की मांग किया। उन्होंने कहा कि पारा शिक्षक व सरकारी शिक्षकों के वेतन में काफ़ी अंतर है, ऐसे में पारा शिक्षकों का मानदेय बढ़ाया जाए। उन्होंने कहा कि राज्य में 4500 पारा शिक्षक अप्रशिक्षित हैं, उन्हें भी एक अवसर दिया जाना चाहिए। झारखंड में 2 नए संक्रमित की पुष्टि हुई, जिससे एक हिंदपीढ़ी और एक जामताड़ा से है। झारखंड में अब संक्रमितों की संख्या 105 से बढ़कर 107 हुई, जबकि 19 लोगों को स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई और 3 लोगों की मौत हो गई। भारत में कुल संक्रमितों की संख्या 32,936 है। कोटा में फंसे बच्चों को लाने को लेकर झारखंड हाई कोर्ट में PIEL दायर। खबरों के अनुसार झारखंड हाई कोर्ट के अधिवक्ता धीरज कुमार ने झारखंड हाई कोर्ट में जनहित याचिका दायर की है। उन्होंने कहा कि राज्य से बाहर रह रहे विद्यार्थी मेडिकल इंजीनियरिंग सहित अन्य तकनीकी संस्थाओं में अध्ययनरत है। लॉकडाउन के कारण वे बाहर फंसे हुए हैं। उन्होंने खाने की परेशानी के साथ साथ संक्रमण की चपेट का भी आशंका है। उन्होंने कहा कि मुख्य सचिव को पत्र लिखा था, लेकिन कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पाया। राज्य सरकार वापस लाने के प्रति उदासीन है। राशन वितरण प्रणाली में गड़बड़ी का आरोपी पर कार्रवाई का निर्देश। रांची जिला के जन वितरण प्रणाली दुकानदारों के खिलाफ एक बार फिर कार्रवाई की गई। इस बार 8 डीलरों को निलंबित कर दिया गया है। जन वितरण प्रणाली के अंतर्गत राशन वितरण में अनियमितता का आरोप है। जिले में अब तक राशन का वितरण में अनियमितता के आरोप में 20 PDS डीलरों को निलंबित कर दिया जा चुका है। ऐसे में यदि आपका डीलर भी राशन में कोई कमी या राशन देने में इनकार करता है, तो आप जिला खाद्य आपूर्ति विभाग के पास शिकायत कर सकते हैं। ऑनलाइन क्लास से पहले जरूरी दिशा निर्देश। खबरों के अनुसार लॉकडाउन होने के कारण बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा दी जा रही है। ऐसे में ऑनलाइन क्लास शुरू करने से पहले छात्रों को व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से क्लास के विषय एवं समय की जानकारी देना अनिवार्य है। विद्यार्थियों के अभिभावक को चाहिए कि वे बच्चों को समय सारणी के अनुसार प्रतिदिन क्लास लेने को प्रेरित करें। रिम्स में एक बार फिर डिलीवरी हुआ चालू। खबरों के अनुसार डॉक्टर और नर्स की जांच रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद रिम्स के प्रसूति विभाग एक बार फिर शुरू कर दिया गया है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बिना जाँच रिपोर्ट आए ही डिलीवरी कराने का दिशा निर्देश और अंत में बिना जाँच रिपोर्ट आए ही डिलीवरी करा दिया गया। CBSE बोर्ड 10th-12th की अब नहीं होगी परीक्षा। खबरों के अनुसार केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने कहा 10th और 12th की लंबित विषयों की परीक्षा नहीं कराने को कहा। उन्होंने इंटरनल स्टेटमेंट के आधार पर ही प्रमोट कर दिया जाएगा। हालांकि 10वीं की लंबित परीक्षाओं के बारे में CBSE ने ऐसी कोई जानकारी नहीं दी, पर इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में CBSE के सचिव अनुराग त्रिपाठी ने बताया कि 10वीं बोर्ड की बाकी बचे विषयों की परीक्षा नहीं ली जाएगी, सभी बच्चों को प्रमोट कर दिया जाएगा। सूरत में फंसे सैकड़ों मजदूरों ने सड़क पर उतर आए। खबरों के अनुसार घर भेजे जाने की मांग करते हुए सैकड़ों प्रवासी मजदूर गुजरात के सूरत पर उतर आए। उन्होंने बाजार में कुछ स्थानों पर तोड़फोड़ की तथा कुछ वाहनों को क्षतिग्रस्त कर दिया। पुलिस विभाग ने जानकारी दिया कि मजदूरों से काम लिया जा रहा था, जिसके कारण आक्रोशित हुए।
स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने रिम्स निदेशक डॉक्टर डीके सिंह को हटाए जाने की अनुशंसा की। उन्होंने सीएम से डीके सिंह को हटाए जाने की मांग की है। बताया जाता है कि संक्रमण के मामले में रिम्स निदेशक की कार्रवाई से मंत्री बन्ना गुप्ता संतुष्ट नहीं हैं। इरफान खान के निधन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताया शोक। उन्होंने कहा कि इरफान खान का निधन सिनेमा और रंगमंच की दुनिया के लिए एक बहुत बड़ी क्षति है। विभिन्न माध्यमों द्वारा उनकी बहुमुखी प्रदर्शन के लिए हमेशा याद किया जाएगा। वहीं झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने शोक प्रकट करते हुए ट्वीट किया कि देश ने एक असाधारण अभिनेता को खो दिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि बॉलीवुड में ऐसे अभिनेता कम ही होंगे। गुमला जिला में बना करेंसी सैनिटाइजर मशीन। खबरों के अनुसार गुमला जिला के 10 वर्षीय आर्यन ने करेंसी को सैनिटाइजिंग करने की मशीन बनाया है। यह मशीन 1500 रुपये की लागत से तैयार की गई है। यह मशीन नोटों को सेकेंडों में सैनिटाइज करने की क्षमता रखता है। यह मशीन घर पर उपयोग में आने वाली सामग्री से तैयार किया गया है। इसकी जानकारी गुमला उपायुक्त शशि रंजन ने दिया। रामगढ़ जिले के रास्ते में फंसे मजदूरों ने सीएम हेमंत सोरेन को किया ट्वीट। उन्होंने सीएम से मिली तुरंत मदद। खबरों के अनुसार छत्तीसगढ़ रायगढ़ व रांची से 13 मजदूर पैदल अपने घर जा रहे थे। ऐसे में वे लोग कई दिनों से भूखे थे। इस बीच मजदूरों ने सीएम को ट्वीट किया। हेमंत सोरेन ने तुरंत रामगढ़ डीसी को जानकारी दी। रामगढ़ उपायुक्त ने उन्हें खाना खिलाया और चिकित्सीय जांच कर भेज दिया। जामताड़ा से एक संक्रमित व्यक्ति का रिपोर्ट पॉजिटिव आया है। जामताड़ा से पॉजिटिव रिपोर्ट आने के बाद प्रशासन सख्त है। जामताड़ा उपायुक्त ने संक्रमित व्यक्ति के क्षेत्र के आसपास के इलाकों को पूरी तरह से सील करने की तैयारी में है। व्यक्ति से ट्रेवल हिस्ट्री लिया जा रहा है। संपर्क में आने वाले व्यक्ति की जांच किया जाएगा। साइबर अपराधियों ने मुख्यमंत्री विशेष सहायता फर्जी ऐप बनाकर मजदूरों के पास भेज रहे हैं। खबरों के अनुसार प्रवासी मजदूरों ने कंट्रोल रूम में शिकायत की है कि साइबर अपराधियों ने फर्जी ऐप बनाकर उनके पास भेज रहे हैं। सूचना मिलने के बाद मुख्यमंत्री ने मजदूरों को ऐसे ऐप से बचने की अपील की है। हम आपको बताते चले कि कल इस ऐप का रजिस्ट्रेशन तिथि समाप्त हो चुका। अब तक कुल 271,000 आवेदन आए थे। झारखंड के निजी स्कूल में 3 माह तक फीस लेने पर लगी रोक। खबरों के अनुसार शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो ने सभी निजी स्कूलों को दिया 3 माह का फीस नहीं लेने का निर्देश। उन्होंने कहा कि अभिभावकों पर शुल्क के लिए किसी भी प्रकार का दबाव नहीं बनाया जाए। स्कूल में बच्चों को किसी भी प्रकार की सुविधा से वंचित नहीं किया जाए। इस मामले में एक कमेटी गठन की निर्देश दिया है। कोटा में फंसे बच्चों को सांसद निशिकांत दुबे ने घर वापस लाने की पहल कर रहे हैं। खबरों के अनुसार गोड़ा सांसद निशिकांत दुबे के पहल पर 8 बच्चे घर लौटेंगे। सभी बच्चे कोटा में रहकर पढ़ाई कर रहे थे। बच्चों के माता पिता ने सांसद से गुहार लगाई थी। आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करना अब अनिवार्य कर दिया गया है। खबरों के अनुसार भारत सरकार द्वारा कहा गया है कि केंद्रीय सरकार में कार्यरत सभी अधिकारियों कर्मचारियों को अपने मोबाइल फ़ोन में आरोग्य सेतु तुरंत डाउनलोड करना चाहिए। अपने कार्यालयों में काम शुरू करने से पहले उन्हें ऐप पर अपनी स्थिति जांच करनी चाहिए। केवल काम तभी करना चाहिए जब ऐप पर उनकी स्थिति सुरक्षित या कम जोखिम दिखा रहा हो। रांची में बस सेवा शुरू करने के तैयारी में बस मालिक। खबरों के अनुसार लॉकडाउन खुलने के बाद बसों का परिचालन किया जाएगा। इस संबंध में रांची बस ऑनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कृष्ण मोहन ने कहा कि बसों का परिचालन के लिए सरकार जो भी दिशा निर्देश देगी हमें मानना होगा। सोशल डिस्टेंसिंग के आधार पर सवारी बैठाने को कहा जाएगा। पलामू पुलिस ने घर में रह रहे बुजुर्गों के लिए सहायता उपलब्ध कराएगी। खबरों के अनुसार वैसे बुजुर्ग जिनके घर में कोई भी सदस्य नहीं है तो उनके जरूरी की सभी सामग्री के साथ दवा भी घर तक पुलिस पहुंचाएगी। पलामू पुलिस अधीक्षक अजय लिंडा के निर्देश के आलोक में पुलिस ने पहल की है। उन्हें 100 नंबर पर डायल कर सूचना देना होगा। उसके बाद पुलिस द्वारा उनके घर तक दवा उपलब्ध कराया जाएगा। बोकारो जिला के उग्रवाद प्रभावित झुमरा पहाड़ क्षेत्र में बोकारो एसपी ने तैनात जवानों का बढ़ाया हौसला। एसपी ने जवानों के साथ मास्क पहनकर दौरा किया। हमेशा हाथ को साफ रखने व सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने को कहा। राशन कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं, अब सभी को दिया जाएगा राशन।
खबरों के अनुसार रांची जिला में नए राशन कार्ड के लिए आवेदन देने वाले आवेदकों को भी राशन दिया जा रहा है। प्रति परिवार 1 रुपये की दर से 10 केजी चावल प्रखंड या अंचल से दिया जा रहा है। विद्यार्थियों के लिए रांची जिला प्रशासन ने 23 और स्कूलों में किताब बिक्री का आदेश दिया। लॉकडाउन के कारण बच्चों को पढ़ाई में बाधा उत्पन्न न हो देखते हुए रांची प्रशासन ने 23 और स्कूलों को सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए किताब बेचने का आदेश दिया है। किसानों के लिए अच्छी खबर, धान बिक्री के लिए 15 मई तक तिथि बढ़ाई गई। रामेश्वर उरांव ने बताया कि इस वर्ष धान क्रय का लक्ष्य 3 लाख मेट्रिक टन रखा गया है, जो अभी तक 2.76 मेट्रिक टन से ज़्यादा खरीदा गया है। धन्यवाद। यदि आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बगल का बेल आइकन दबाइए। साथ ही वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों के व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर शेयर करें और आप हमें कमेंट में अपना राय